नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मीन राशि 7 और 8 दिसंबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा इन 2 दिनों में आपके साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होने वाला है, कैसे बचाव किया जा सकता है और क्या उपाय हैं, और जीवन को बदलने के लिए सिर्फ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, मेहनत के साथ साथ ग्रह सितारों को भी चमकाना पड़ता है। और कैसे हम अपने ग्रह सितारों को चमका सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इन 2 दिनों के राशिफल का। 2 दिनों का राशिफल बनाने का उद्देश्य क्या होता है? कई लोग कहेंगे कि हमें तो प्रतिदिन जानने की आवश्यकता होती है। देखिए, चंद्रमा के आधार पर यह राशिफल होता है और चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो इन 2 दिनों में जब हम राशिफल बनाते हैं तो एक्यूरेसी एक ही जैसी रहती है, सही मापदंड रहता है। तो प्रतिदिन का राशिफल भी ठीक होता है, लेकिन 2 दिन का राशिफल ज्यादा ठीक होता है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति सेम रहती है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। इन दोनों दिन चंद्रमा सिंह राशि में होंगे और छठे भाव में होंगे। अब छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का है, यानी अच्छा भाव नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की जो स्थितियां हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आज का राशिफल क्या होगा। तो इन सभी का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज के दोनों दिन शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बढ़िया दिन है। जो भी छात्र छात्राएं या बड़े परीक्षा या कंपटीशन में बैठना चाहते हैं या उसकी कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया दिन रहेगा। नौकरी करने वाले लोग अपना काम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करते रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं निकलेगी और काम में मन भी लगेगा। आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, आपके मन में प्रसन्नता उल्लास और खुशी बनी रहेगी, यानी मूड अच्छा रहने वाला है। किसी पारिवारिक या सामाजिक फंक्शन में आना जाना हो सकता है, अर्थात मिलना जुलना हो सकता है लोगों से, छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टी वगैरह में भी। आपको बहुत सारे अवसर आज प्राप्त होंगे। ये अवसर आपके जीवन के पारिवारिक मामलों में आगे तरक्की ले जाने के लिए हो सकते हैं, आपकी व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकते हैं, आपकी नौकरी के क्षेत्र में हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकते हैं। तो कुछ छोटे बड़े अवसर जो आपको हर क्षेत्र में तरक्की दे सकते हैं मिलते रहेंगे। परिवार में आपका व्यवहार, परिवार वालों का आपके प्रति व्यवहार, ये सब कुछ आज ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग व्यापार को बढ़ाने को लेकर छोटी बड़ी यात्राएं कर सकते हैं। जिसका जैसा व्यापार वैसी यात्रा वैसा इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, जो कि लाभदायक रहेगा। अब जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए भी बढ़िया है, जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी बढ़िया है। अब कुछ लोगों का प्रोफेशन खेल कूद होता है, मनोरंजन होता है, एक्टिंग होता है, तो उन क्षेत्रों से जुड़े हुए भी जो लोग हैं उनके लिए भी आज शानदार रिजल्ट लेकर आ रहा है आपका दिन। चाहे आप खेल कूद से जुड़े हैं, चाहे कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हैं, इन सब क्षेत्रों में भी आपका दिन आपको सफलता देगा। घर पर कुछ लोगों का आना जाना हो सकता है। किन्हीं दूसरों की लड़ाई में पड़कर अपने वक्त को और अपनी मान सम्मान को खराब मत करिएगा। किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े को सुलझाने के चक्कर में कहीं आप खुद न उलझ जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम लालच में आकर नहीं करना है, प्रलोभन में आकर नहीं करना है कि कोई कहता है कि ये काम कर लो इसमें इतना मिल जाएगा, तो पहले सोचिए समझिए दिमाग लगाइए उसके बाद ही हाँ करिए। गुप्त शत्रु परेशान करेंगे। विवाहित लोगों को संभल कर थोड़ा रहना होगा आज। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, गुप्त शत्रुओं पर नजर रखना होगा। विवाहित जीवन में संभल कर रहने को क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कोई आप मियाँ बीबी के बीच में चुगली कर दे, इधर की उधर करके आप लोगों को आपस में लड़वा दे या थोड़ा सा टेंशन पैदा कर दे। आप आज की तारीख में यानी 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा,
क्योंकि आज ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी बदली है, तो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, सेहत भी थोड़ी सी हल्की ढीली रह सकती है, थोड़ा आलस हो सकता है। अभी आलस दो तरीकों का हो सकता है, हो सकता है पिछले दिन आपने बहुत काम किया, ठीक से सोए नहीं, इस वजह से हो सकता है आलस। सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा आलस वैसे ही बढ़ जाता है, ज़्यादा भोजन खा लिया, कहीं पार्टी वार्टी में जैसे मैंने बोला जा सकते हैं तो कहीं हैवी भोजन कर लिया, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा आलस आ सकता है। अपने मन की बात किसी को बतानी नहीं है, अपनी गुप्त योजनाएं को गुप्त रखना है, किसी से कुछ भी उधार लेना देना नहीं है। 8 तारीख को परीक्षा प्रतियोगिता और कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे या बड़े, व्यापार नौकरी करने वाले बड़े या छोटे, थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। रिजल्ट में कोई कमी नहीं आएगी, रिजल्ट वैसे ही शानदार रहेगा, लेकिन मेहनत में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कार्य क्षेत्र में विपक्षी लोग थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंध में तालमेल बिठाना आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो सीख लीजिए। तो तालमेल जितना अच्छा बैठाएंगे, एक दूसरे की सुनेंगे समझेंगे तो और बढ़िया रहेगा। जीवन साथी या प्रियतम को, या तो आपका विवाह हो गया है या आप प्रेम संबंधों में रिलेशनशिप में हैं, तो अपने प्रीतम को या अपने जीवन साथी को धोखा देने की कोशिश मत करिएगा। कुछ लोगों के एक्स्ट्रा अफेयर वगैरह होते हैं, या कहीं कुछ लोग चलाना चाहते हैं, कुछ लोग चल रहे होते हैं, कुछ लोगों के ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं, कुछ लोगों का कुछ नहीं होता लेकिन वो गप्पे मारते हैं, अरे मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। कुछ लोगों का सोशल मीडिया से कनेक्शन होता है, मिले जुले नहीं होते, बस बातचीत हो रही होती है। तो ऐसे संबंधों में पढ़कर आपका जो वास्तविक संबंध है जीवन साथी के साथ या आपके प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ, वहाँ पर दरार पैदा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा और अपनी वाणी को मीठा रखने का प्रयास करिएगा। हर काम जांच परख कर करना है, धर्म कर्म में रुचि लाभदायक रहेगी आपको, ईश्वर की भक्ति ईश्वर की कृपा से आपको सही रास्ता दिख जाएगा। दिमाग को ठंडा रखकर हर फैसले को लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है इन दोनों दिनों में, तो आपका दिन बहुत अच्छा है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ी सी संघर्ष की स्थिति बनती है, इसके अलावा उन्हें और कोई कष्ट ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, बशर्ते आप लापरवाहियां बरतें और उल्टा सीधा काम करें तो कष्ट अपने आप बढ़ जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, वहाँ पर कोई अशुभ योग बन रहे हैं, वहाँ पर कोई बुरी स्थिति ग्रहों की बन रही है, ग्रहों को बल नहीं है, ग्रह जो है अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, बुरे योग बना रहे हैं या बुरी दृष्टियों से ग्रसित हैं, तो आज का परिणाम गंभीर हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। तो आपकी जन्म कुंडली और वर्तमान में जो ग्रहों की गोचरी व्यवस्था है, दोनों का तालमेल अगर सही बैठेगा तो रिजल्ट आपके पक्ष में होंगे, और नहीं तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। हनुमान जी की उपासना करना, शिव जी की उपासना करना और भगवान विष्णु के 108 नाम का स्मरण करना, या कम से कम 11 बार भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभकारी और मंगलकारी रहेगा, और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी आप जाप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। देखिए, भाग्य को चमकाने के लिए एक दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है मेहनत और दूसरी चीज़ होती है ग्रह सितारों का आशीर्वाद। तो मेहनत तो आप कर लेते हैं, लेकिन ग्रह सितारों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा वो मैं अब बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और करिएगा। आपका एक सपना, आपके परिवार का एक सपना, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी एक सपना कि आप तरक्की करें और आपसे आपका परिवार तरक्की करे, आप खुशियां लेकर आए और उन खुशियों से आपके घर में खुशियां आ जाए। घर में जितने भी लोग कमाने वाले हैं, या घर में जितने भी लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में जितने भी लोग घर की जिम्मेदारियों को संभालने वाले हैं, सबका एक ही सपना होता है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल रहे, पैसा आए, सुख आए, समृद्धि आए और हम लोग खुश रहें और हमारे परिवार पर, हमारे परिवार के सदस्यों पर किसी की नजर ना लगे, यही चाहते हैं। इसके लिए आप लोग रोज घर में प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम ईश्वर की भक्ति करते हैं और मेहनत करते हैं।
अपना कर्म करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई घर की कार्यभार को संभालता है। लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो हैं हमारी सफलता को बहुत बड़ा नहीं बना पाती हैं, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेहनत है। अब मेहनत सही दिशा में हो, मेहनत पे भाग्य का सपोर्ट हो, मेहनत पे ग्रह सितारे आपके साथ हो, तो आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। फर्क ये होता है कि जैसे आपने एक पौधा लगाया गमले में, आप सभी ने पौधा लगाया होगा या लगाते हुए देखा होगा, मिट्टी में एक पौधा लगाया और उसको लगाकर छोड़ दिया, उसको वक्त पर पानी नहीं दिया, उसकी मिट्टी को उल्टा पलटी नहीं करी, उस पर वक्त पर खाद नहीं डाली, तो वो पौधा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। बढ़ता जरूर है, बहुत धीरे धीरे उसका विकास कम हो जाता है। और अगर आपने उस वक्त में पानी डाला, वक्त में उसकी मिट्टी को उल्टा पलटी करी, बढ़िया खाद डाली, धूप से बचाया, छांव से बचाया, अच्छे वातावरण में रखा, उसका ख्याल रखा, तो जल्दी 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 बड़ा होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे आपको देखने में खूबसूरत लगता है और वो फल भी जल्दी देता है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि आप एक पौधा लगाएं उसकी केयर ना करें और एक पौधा लगाएं उसकी केयर करें। तो इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो जो सिर्फ काम करते हैं और एक लोग होते हैं जो स्मार्ट काम करते हैं। तो ये 2021 आने वाला है, यहां पर स्मार्ट वर्क की जरूरत है। अब आप खुद ही देखिए, पहले ट्रेन चलती थी, अब बुलेट ट्रेन आ रही है, तो बढ़ोतरी हुई ना। उसी प्रकार से आपको भी अपनी सफलता की स्पीड को अगर बढ़ाना है तो सिर्फ मेहनत का सहारे से काम नहीं चलेगा। अब आपकी असफलता या आपके कम रिजल्ट मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कि आपको सही मौके ना मिलना, आपको सही वक्त पर सही जानकारी ना मिलना, आपके ग्रहों की स्थिति का बिगड़ा होना, ग्रहों के अशुभ प्रभाव जैसे शनि की 7.5, राहु केतु के अशुभ प्रभाव, बुरे दोष, बुरे योग, ग्रहों के कमजोर होना, इन सब का भी होना आपकी तरक्की में बाधित हो सकता है। परिवार में एक दूसरे के तालमेल ना बैठना, एक दूसरे से लड़ाई होना, बॉस का आपके प्रति रवैया अच्छा ना होना, व्यापार में आप सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाना, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, रिश्तों में एक दूसरे को समझ ना पाना, कम्युनिकेशन गैप होना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चीजें आपको पीछे करती हैं। और हो सकता है कोई बाहरी शत्रु आप लोगों को लड़ा दे, आप लोगों के रिश्तों में दरार पैदा कर दे, कोई बाहरी शत्रु भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधाओं में आपको बांध दे, जादू टोना कर दे, आपकी तरक्की को बांध दे, ऐसा भी हो सकता है। ग्रह जो हैं अगर वो कमजोर हैं तो आप जल्दी बुरी चीजों के करीब पहुंचेंगे और जल्दी बुरी चीजें आप पर असर करेंगी। कहते हैं ना कि अगर किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसको बीमारी जल्दी पकड़ती है, तो ग्रह सितारे खराब है तो बीमारी या परेशानी जल्दी पकड़ेगी। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से हम कब तक परेशान होते रहेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत में आपके प्रयासों में कमी नहीं है, लेकिन ये एक हाथ है, ये एक हाथ ताली नहीं बजा सकता। अब इस हाथ के साथ ये हाथ भी मिल गया तो ताली बजेगी। ऐसे ही इस हाथ को अगर कोई दूसरा हाथ सपोर्ट कर दे तो फिर ये मजबूत हो जाता है। तो आपकी ये मेहनत है, इस मेहनत को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ रत्न बता रहा हूँ जो आपकी राशि को सूट करेंगे और ग्रहों की बुरी स्थितियों से, इंसान की बुरी नज़रों से और जो जो शत्रु आप आंखों से देख पाते हैं उनसे और जिन शत्रुओं को आप आंखों से नहीं देख पाते हैं उनसे आपकी रक्षा करके आपको अतिशीघ्र तरक्की दिलाएंगे। चाहे शनि की 7.5 हो, या काल सर्प दोष हो, या कोई अन्य राहु केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव हो, आपको मुक्ति मिलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, ये 7 मुखी रुद्राक्ष जो नेपाली है, ओरिजिनल है, चांदी में मढ़ा हुआ है, उसके बाद आपको क्या चाहिए,
अपने भाग्य को चमकाने के लिए। ये है चमत्कारिक रत्न, लाजवर्त रत्न। ये भी चांदी में बड़ा हुआ आपको मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, शानदार मिलेगा। उसके बाद जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, सेहत भी बहुत कुछ होती है और तरक्की भी बहुत कुछ होती है और प्यार भी बहुत कुछ होता है। तो इन दोनों रत्नों ने, यानी लाजवर्त ने और सातमुखी रुद्राक्ष ने, आपको पैसा, धन, मान, सम्मान और सब कुछ दे दिया। तो ये आपकी जिंदगी में प्यार और शोहरत और कामयाबी को लेकर आएगा, बुलंदियों को लेकर आएगा। इसको बोलते हैं फिरोजा रत्न। तो ये तीन रत्न जो हैं आपके जीवन में क्रांति लिख सकते हैं, आपको सफलता दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी नाम राशि के अनुसार इन सब चीजों को हम प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। तो आपकी नाम राशि के अनुसार आपका एक चमत्कारिक रत्न भी बनता है। वो चमत्कारिक रत्न क्या होगा वो मैं बताऊंगा नहीं, वो इस मुट्ठी में बंद है। वो जब आप इन तीनों चीजों को लेंगे तो इसके साथ में अपने आप आपको फ्री मिल जाएगा। ये चमत्कारिक रत्न चमत्कार करेगा। चमत्कार का मतलब है आपकी सफलता को और जल्दी दिला देगा। तो कुल मिलाकर एक हो गया सातमुखी रुद्राक्ष, नेपाली महालक्ष्मी का स्वरूप है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद है, सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, सात देवियों का आशीर्वाद है। लाजवर्त रत्न शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाए, इनके अशुभ प्रभावों से, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो से मुक्ति दिलाए और प्यार इश्क मोहब्बत के लिए फिरोजा, और जीवन में ऊंचाइयों पाने के लिए फिरोजा। और इसको तो बड़े बड़े फिल्मी सितारे सेलिब्रिटी पहनकर आगे बढ़ते हैं और ना जाने कितना नाम कमा लिया। आप भी जानते होंगे उन लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। और ये है आपका चमत्कारिक रत्न आपकी नाम राशि के अनुसार। तो ये चार चीजें हो गई, और चार चीजों का मतलब हो गया चारों दिशाओं से सफलता, चारों दिशाओं से खुशखबरी, चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि। अब देखिए हर एक चीज की कीमत होती है, इसकी भी कीमत है। अगर आपको ये चारों चीजें चाहिए, तीन चीजें आपने देख ली, ये ओरिजिनल है, प्रमाणित है, प्राण प्रतिष्ठित है, इसकी गारंटी हमारी है, तो इसके लिए आपको लिखना होगा F38 यानी 3,800 रुपए की ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें हैं। पहनना कैसे है विधि विधान आपको इसी के साथ मिल जाएगा। इसका जो रत्न, इन सब चीजों को जो रत्न मैंने आपको दिखाया और रुद्राक्ष आपको दिखाया, ये मीडियम साइज के होंगे, 5 से 6 कैरेट का रत्नों का वजन होगा F38 में 3,800 में। रत्नों को का वेट अगर आपने बढ़ाना है तो आपको इसके लिए थोड़े से और पैसे ज़्यादा देने होंगे, वो होंगे 5,100 रुपये। तो उसके लिए आपका कोड होगा F51। और जिन लोगों के पास सातमुखी रुद्राक्ष ऑलरेडी पहले से है और लाजवर्त रत्न भी पहले से है, उन लोगों को लिखना है F28। ठीक है जी, तो F28 लिख कर भेजेंगे तो उनको सिर्फ फिरोजा रत्न और आपको आपका ये जो लकी स्टोन है वो दिया जाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। F38 लिख कर भेजेंगे तो आपको सातमुखी रुद्राक्ष ओरिजिनल नेपाली, लाजवर्त रत्न ओरिजिनल, प्राण प्रतिष्ठित चांदी में बड़ा हुआ, और इसके साथ में फिरोजा रत्न, और इसके साथ में चमत्कारिक रत्न भी मिलेगा। वजन का जो वजन होगा रत्नों का वो 5 से 6 कैरेट के बीच में होगा F38 लिखने पर, और F51 लिखकर भेजेंगे तो यही रत्न होंगे, यही सब चीजें होंगी, इनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। और वजन कितना हो जाएगा, 8 से 9 कैरेट के आसपास हो जाएगा, या 10 कैरेट भी हो सकता है। और जिनके पास पहले से सातमुखी रुद्राक्ष है और लाजवर्त रत्न है, वो F28 लिखकर भेजें, उनको ये दोनों रत्न प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपकी भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी मेहनत को ये सारी चीजें सपोर्ट करेंगी और आपको आगे बढ़ाएंगी। तो चमत्कारिक रत्न जो है वो आपको और ज्यादा सपोर्ट प्राप्त कराएगा और आप जीवन में तरक्की शीघ्र पाएंगे। आप में से जो लोग चाहते हैं वो लोग लें, जो लोग नहीं चाहते हैं वो ना लें, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है सही सलाह देना। F38, F51 और F28 लिखकर भेजें, आपको हम ये चीजें कोरियर के द्वारा अतिशीघ्र पहुंचाएंगे विधि विधान के साथ,
ओरिजिनल की गारंटी, शुद्ध चांदी में पड़ा हुआ और पहनने की विधि वगैरह भी। नमस्कार।